अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास फोन आया है, हमारे कुछ मेहमान आए थे, उनका फोन है। ये बैठे हुए आपको तारुफ करवाए उनका। इसमें मसला ये है, इसका लाइट नहीं, लाइट नहीं, सही है। तो इसमें पहले से बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम, मेरे को जंपरिंग वगैरह सब कुछ हो गए हैं, सही है। तो ये जो हमारे दोस्त हैं, इनके पास इस तरह ही आया है, पहले से काम हुआ है, मतलब शॉप में, कई शॉप में घूम होके इनके पास आया, सही है। आपके पास कितना टाइम हो गया इसका? नहीं, हमें 2-3 दिन। अच्छा, कस्टमर लेके आया तो इसी कंडीशन में था, मतलब सब कुछ इस पे ट्राई हुआ है। यूनिट आपने चेक किया? अच्छा, यूनिट और भी ट्राई किया, इस पे नहीं आ रहे। तो ये मेहमान थे आज हमारे क्लास में बैठे हुए थे, असर भाई, तो इनका फोन है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 5-10 मिनट, हमने कहा चलो स्टूडेंट का टेस्ट भी हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इन्होंने अभी सेक्शन नहीं पढ़े कि लाइट सेक्शन किस तरह काम करते हैं, क्या इसमें कौन कौन से सप्लाई, सब कुछ अभी हमने नहीं बताया, लेकिन कंपोनेंट सब बता रही है। कंपोनेंट्स बता दिए ना, जी जस्ट सर। आईसी पहचान सिर्फ बता रही है। आईसी भी अभी हमने डीप ने हर एक आईसी नहीं पढ़ी, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कंपोनेंट जो आपको बताए उससे भी आप काफी पूर्ण रिपेयर कर सकते हो। जो कंपोनेंट्स की नॉलेज हमने आपको दी ना, ये बड़े से बड़े कारीगर से पूछो, अगर इंस्टीट्यूट में नहीं गया तो इंशाल्लाह उसको नहीं बताओ, वो आईसी पे काम करेगा, इसका लाइट आईसी चेंज कर लेगा, ना हुआ तो सीपीयू रिबार कर लेगा, ना हुआ तो वापस ले लेगा, ये नहीं हो सकती। लेकिन कंपोनेंट्स के नॉलेज जिसको होना, वो इब्तदा यहाँ से करेगा, बुनियाद बुनियाद यही है, शुरू ही इससे करना है हमने, डायरेक्ट तो आईसी भी काम नहीं करना है हमने। आईसी से पहले बहुत कुछ, ये जो छोटी सी आईसी मैंने बना ली ना यहाँ पे एक्सिट के लिए, ये भी हमारा सेक्शन नहीं है, इससे पहले कितना सब कुछ बता दिया कि आईसी तो लास्ट में चेंज करना है, उससे पहले बहुत कुछ है। तो आपने कंपोनेंट्स पढ़े है क्या? कंपोनेंट्स पढ़े तो इसमें सबसे पहले ये कंपोनेंट्स चेक करेगा, सही है। इसमें मसला कंपोनेंट्स ही है, कंपोनेंट्स ही है। कौन सा कंपोनेंट्स खराब है अभी, कुदरतुल्ला हमारे पास बैठे हैं और आप भी इसके इसको जो है ना गाइड कर लेना, सही है। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट खराब है, कौन सा चेंज करना है, और प्रूफ करके हमें बताना है कि वाकई ये कंपोनेंट खराब है, सही है। और ये जो जंपर लगा है ये सही कि नहीं, ये भी कुदरतुल्ला बताओ। सबसे पहले अपना तारुफ करो, उर्दू थोड़े थोड़े, मेरा चलो थोड़े थोड़े से काम चला लेंगे। आप कहाँ से हो कुदरतुल्ला? नाम कुदरतुल्ला है, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ स्पेशल स्कूल के लिए। अफगानिस्तान से, माशाल्लाह, पहले एक महीने पहले भी मैं कोशिश आज की कोशिश की थी, थी। लेकिन बॉर्डर बंद था, वापस हाँ, रिटर्न वापस गया था। गया। अच्छा, मुल्क से बाहर जो है ना, ये हमारे जी पहले स्टूडेंट है जो पाकिस्तान से बाहर से आए हुए हैं, ये सफीउल्ला भी आया है हमारा दुबई से खसूसी इस कोर्स के लिए, लेकिन सफीउल्ला का जो है ना रिहाइश घर यहाँ पे काफी देर में, देर में, लेकिन इसके शॉप वहां से, ये वहां से दुबई में शॉप है, ये दुबई से खसूसी आया है, सही है। लेकिन मुल्क से बाहर जो जिनका शॉप भी है घर भी है, तो ये कुदरतुल्ला सबसे पहले स्टूडेंट है, सही है। तो इंशाल्लाह वो मेहनत भी बहुत कर रहा है, आप लोगों की सपोर्ट भी इसके साथ है माशाल्लाह, हम हमें भी जितना आता है सब कुछ बता रहे। अच्छा, इसका लैग नहीं है, देखो मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे जरा दिखाऊँ, इसके ग्राफिक्स है, ये वाइब्रेट हुआ, सही है, ग्राफिक्स इसके है, लैग नहीं है, और ग्राफिक इसके है, आ रहे थोड़े थोड़े ग्राफिक्स आ रहे हैं, टेक्नो सही है, टेक्नो आ रहा है, लेकिन लैग नहीं है, लैग नहीं है, सही है। और इसका मैंने चेक किया है, इसका एक कंपोनेंट्स में मसला है, कंपोनेंट्स आपको पढ़ाए गए हैं तो आप कर लो इस पे ट्राई, सही है। तो कुदरतुल्ला बैठे हुए, कुदरतुल्ला सबसे पहले चलो कर लो स्टार्ट, लाइट सेक्शन हमें मालूम करो और बताओ कि लाइट सेक्शन आप किस तरह मालूम कर सकते हो, इसके निशानी क्या है? हाँ, लाइट आईसी, लाइट ऐसी चेपिंग की ऐसी लगी होती है, हाँ, और इसमें एक कॉइल लगा होता है, इसके एक पास एक डायोड बूस्ट कॉइल होता है और और एक एक डायोड, डायोड और एक कैपेसिटर हाँ, लाइट सेक्शन पूरा इन चार से कंपोनेंट से मिलकर बनाए, मिलते हैं। बूस्ट तो ये चार कंपोनेंट्स है, आईसी हो गया, बूस्ट कॉइल कॉइल हो हो गई, गया हमारे डायोड हो गया और और कैपेसिटर, इन चार में से एक कंपोनेंट खराब है, सही है, तो लाइट सेक्शन ऑन नहीं हो रही है, सही है। तो इनके चेकिंग का तरीका आपको बताया, चलो आप कर लो स्टार्ट, कर लो मीटर को बजर पे सेट कर लो, ये मीटर साथ में दिखा लो, सबसे पहले कॉइल चेक करके हमें बताओ, साथ में बता दिया करो कि कॉइल, हाँ जी कॉइल देखो, कॉइल हमने बताई है कि इसका जो यूनिट होता है हेनरी है, इसका यूनिट हेनरी, एलसीआर से हम सही तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन बजर बूट से हम पता लगा सकते हैं कि ये ओपन है या या नहीं, नहीं सही है। तो चलो जी चेक कर लो कॉइल, हाँ जी कॉइल के दोनों पाँव पे रखते चेक करो, ये रखो बी बार है, मतलब ठीक है कॉक है, ओके सही है। उसके बाद चेक करवाओ हमें कैपेसिटर, इसके लाइन में जो कैप लगी है कि ये शॉर्ट है या नहीं, देखो कैपेसिटर को आपको भी बताइए, इसका हमारे साथ यूनिट है पेराड, पेराड, लेकिन पेराड हमारे एलसीआर हमारे पास नहीं है, तो बजर मोड से चेक कर सकते हैं, वैल्यू जरा दिखाओ, इसके दोनों तरफ इसने प्रॉप रखी, कितना वैल्यू है, 1.7
1,750 तो लीकेज तो नहीं है ना, लीकेज आपको बताया ना कितना आएगा, सही है लीकेज, और शार्ट भी बताया ना, लीकेज भी नहीं है शार्ट भी नहीं। इसके अलावा इसके आगे नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा एक डायोड, डायोड का चिकन देखो कहाँ भी कर सकते हैं, हाँ किस मोड में, डायोड मोड में, डायोड में इसके चिकन करेंगे डायोड मोड में, हाँ जी। तो रिवर्स में वैल्यू आएगी या फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में आएगी, रिवर्स में नहीं आ रही, अगर रिवर्स में भी आई तो हम इसको उठा के चेक करना पड़ेगा, सही है। थोड़ा सा कुदरतुल्ला भाई मैं पहले इनसे कंफर्म कर लो कि याद है कि नहीं, सही है। फॉरवर्ड में वैल्यू आएगी रिवर्स में नहीं, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में आई तो क्या करना होगा, निकाल के चेक करना पड़ेगा, फिर भी दोनों साइड आई तो हमारा डायोड क्या है, लीकेज है, सही है। और अगर बी पाए तो क्या है, शॉर्ट है। और यहाँ पे जो डायोड लगा है ये कौन से डायोड है, ये शॉर्ट की, शॉर्ट की डायोड है, शॉर्ट की डायोड में आपको बताया था कितना वैल्यू शो करेगा फॉरवर्ड में, 150 से लेकर 200-250 तक आ सकते हैं। चलो चलो चेक कर लो, अभी रिवर्स में चेक कर रहे हो, फॉरवर्ड में बता दिया करो, रिवर्स में चेक कर रहा हूं सर, रिवर्स में चेक कर रहे हैं, वैल्यू है नहीं है, फॉरवर्ड में चेक कर, अभी फॉरवर्ड में चेक करें, फॉरवर्ड में वैल्यू आनी चाहिए ना, जी सर, ना आए तो भी खराब, देखो वैल्यू है कितना, 1,618 तो क्या है वैल्यू, या कुदरतुल्ला को दिखाओ, अच्छा कुदरतुल्ला तो अभी क्या मसले, ये वैल्यू हमारा खराब है, मतलब इंटरनली इसके आपको बताया 2 सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, जी सर। वो इंटरनली शेप किसी को याद है, जी सर, हाँ कोई बना सकता है पीसीबी पे इंटरनली इसका जो शेप, ये 2 तरह के सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। चलो यह भी मसले है कुदरतुल्ला, आप बना सकते हो, हमारा जो है ना डायोड 2 तरह के सेमी कंडक्टर से बनाए जाते हैं, आ जाओ कौन बना सकते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल, हाँ जी बिल्कुल, एन चैनल और पी चैनल, देखो 2 तरह के सेमी कंडक्टर से पॉजिटिव और बनाए गए, समझ में आ रहा है ना, yes, ये आपको बर्नियों में मिलेगा, नहीं सर, ये काम किसका है, इंस्टीट्यूट का, देखो ये पी चैनल हो गया, ये क्या हो गया, ये पीछे ना, और ये एन चैनल, माशाल्लाह ये हो गया क्या, पीछे ना ये एन चैनल, बीच में क्या हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन लेयर, सही है। जब हमने इससे करंट पास करने हो तो इसको वोल्टेज देते हैं और यहाँ से जो है ना करंट पास हो जाता है, बीच में डिफ्लेक्शन लेयर खत्म हो जाता है, लेकिन जब ये लीकेज होता है, लीकेज होता है देखो यहाँ से कुछ थोड़ा सा ये देखो तो ये लीकेज हो गया ना, पूरा लीकेज नहीं है, हाँ क्योंकि पेयर क्या रहता, बीप देता है, पूरा लीकेज नहीं है, ये क्या है हाफ शॉट, इसलिए 100 कितना वैल्यू आनी चाहिए, 150 से लेकर 250 तक, और इसमें कितने आ रहे हैं, 1,500 हाई वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि इसके इंटरनल इस तरह लीकेज हो गए, तो अभी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चलो चेंज कर लो, इसका जो जम्पर लगाया था वो आपने हटा लिया, जी सर वो गलत लगाया था, चलो इसका चेंज कर लो, डायोड चेंज कर लो, आप ऊपर देखा, ये तो सबक रिपीट हो गया, yes, ध्यान में आ गया, yes, इसे नियमत नहीं की यार अच्छा हम पहले हो गए, आ रहा था लेकिन हम पहले हो गए, चलो ये अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, देखो सर्किट कंप्लीट कर लो, yes, यहाँ भी आते भाई ये कल डायोड, चलो ये डायोड चेंज कर लिया, हम ऊपर ना सामने यार चिमटे से कर लो, ये काव्य से कर लो, अच्छा हटाओ क्योंकि बैटरी लगी हुई है, अभी ब्लास्ट का खतरा भी हो सकता है, ये आप काव्य से भी कर सकते हैं ना, जी देखो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारे क्या, हाँ इसको हम क्या कहते हैं, इसको लोड, ये हो गया लोड, अभी सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, दिखाओ इसको जरा, सर्किट इस तरह कंप्लीट हो गया, ये बीच में क्या है डिफ्लेक्शन, सही है, याद हो गया ना, पूरा याद है, अच्छा जी अभी ये क्या करेगा, डायोड को चेंज करेगा, डायोड यहाँ पे लगा है तो सीरीज में हो गया पैरेलल में, ये सीरीज में हो गया पैरेलल, हमेशा यहाँ पे लाइट सेक्शन में सीरीज में होगा, सही है, और ये फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस लगाएंगे तो क्या होगा, लाइट कभी जो है ना ऑन नहीं होगा, नहीं शार्ट नहीं होगा, आगे जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, सही है, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक तरफ से करंट को जाने देता है वापस आने, और किस तरफ जाने देता है, एनोड से लेकर कैथोड के तरफ, अच्छा कुदरतुल्ला वो दूसरा डायोड आपने टैंक दिया, रख लिया वो रख लो, वो दूसरा रख लो, फिर बाहर से भी चेक, अच्छा इसका एनोड मिस है तो आप इस तरह ऊपर से भी लगा सकते हो,
कोशिश करो ऊपर से लग जाए। माइनस सिर आपने कर लिया, माइनस प्लस और माइनस, क्योंकि ये फॉरवर्ड में लगा लो, सही है। मतलब वैल्यू दोबारा चेक करो, चलो डायोड चेंज कर लिया। हाँ जी, डायोड चेंज कर लिया, डायोड चेंज कर लिया। अभी वैल्यू अभी 179 मतलब सही है। पहले कितना आ रहा था, 1500 बहुत ज्यादा था, अभी चेक करो। चलो यहाँ पे आ जाओ आते भाई, ये भी चेक करें, यहाँ पे अंगूर तो रेडी है लेकिन आप काम करो। सही है, टेलीफोन ऑन कर, हाँ बैटरी लगा के कुणाल का। ये पावर की अक्सर इसका सही टच नहीं होता। माशाल्लाह, तो ये होता है ना काम, असल में काम तो बहुत छोटा हो गया। डायोड खराब था, ये वाला ये खराब था, ये चेंज कर लिया, लेकिन मेन काम क्या है कि फॉल्ट को समझना, ये क्यों पहले लाइट ना नहीं ऑन हो रही थी, अभी ऑन हो रहा है, तो ये क्या इसमें खराब था और इस कंपोनेंट में क्या खराबी थी, सही है। मेन चीज ये है, इसी को जानना। तो सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. और सब समझ गए? Yes, और कुदरतुल्लाह भाई पहले के भी इस तरह मसला मालूम करके हल किया था? नहीं सर, अभी तक नहीं किया। हाँ लाइट तो सबने रिपेयर किया होगा, लेकिन चेंज किया, हल हो गया, क्यों हुआ? Yes, sir, और yes. क्यों नहीं हो रहा है ये किसी को पता नहीं था। मेन चीज ये है कि पता चलेगी क्यों हो गया, सही है। और ये डायोड शॉर्ट था, लीकेज था। हाँ इससे पहले जो किसी ने काम किया ना, वो भी मैं आपको बता दिया है, उसने शॉर्ट की डायोड के जगह कोई और लगाया, सही है, इसलिए वैल्यू ज्यादा आ रही है, या ये लीकेज है इसलिए वैल्यू ज्यादा आ रही है। और लीकेज क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने गलत लाइन पे जम्पर लगाया था, ये जो जम्पर लगाया था ये गलत लाइन पे था, सही है। तो चलो आज के लिए इतना, और कुछ कहना चाहते हो? कुदरतुल्लाह हाँ जी, चलो ओके आज के लिए इतना।